यहाँ पे मोटे तौर पे कहना ये है कि यदि x को x माइनस वन है से रिप्लेस किया तो इसका मतलब है कि वो पूरा ग्राफ राइट वर्ड 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, और यदि x को जैसे x प्लस थ्री से शिफ्ट किया तो वो पूरा ग्राफ 3 यूनिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इन जनरल बात करें, यदि हम जनरल ग्राफ की बात करें तो लेट्स से नॉट ओनली पैराबोला, कोई भी ग्राफ हो उस सब के लिए। लेट्स से ये एक्स है, दिस इज वाई, और वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ समवट लाइक ऐसे ले लेते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, लेट्स से ये यहाँ पे कुछ पॉइंट है। अब हम मैं चाहता हूं कि इसको ना ये इतना यूनिट ऐसे राइट वर्ड शिफ्ट कर दूं। राइट वर्ड शिफ्ट करना, ये लेमडा है, ये लेमडा है, ठीक है, ये लेंथ जो है लेमडा है ना, ये लेमडा लेंथ है। तो यदि राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस लेमडा, मतलब जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स माइनस लेमडा रख दिया जाएगा। और यदि इसी को कुछ ए यूनिट लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है तो अब ये जो ग्राफ है नेक्स्ट लेस, ये एफ एक्स के रेस्पेक्ट में है ना, ध्यान रखना इस चीज को। यदि ये लेट सी ये लेंथ है ए यूनिट, ए पॉजिटिव नंबर है, तो ए यूनिट यदि पीछे करना है तो इसमें ये इसका नाम क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, मतलब एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस ए से, तो ये क्या हो जाएगा कि ये लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग होगी। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ? लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड शिफ्टिंग, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इससे पहले हम लोगों ने अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, देखो यहाँ पे एफ एक्स में प्लस एड हो तो अपवर्ड जाता है, यहाँ माइनस हो तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, कि यदि एक्स को एक्स माइनस अल्फा या एक्स माइनस लेमडा कर रहे हो तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और एक्स प्लस ए कर रहे हो तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या ये चारों शिफ्टिंग समझ आई, समझ में आया क्या? जैसे मैं एक एक ग्राफ बनाना चाहता हूं, वाई इज इक्वल टू लेट से टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री, है ना। यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये कितना होगा, देखो ध्यान से, मैं चलो एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस थ्री, और इसको लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू प्लस थ्री, ये प्लस फाइव आ जाएगा ऐसा। देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, एक्स में क्वाड्रेटिक है, और इसको यदि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये बनेगा, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मेथड से यदि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे तो ये इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मतलब ज्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन होता है, तो आपको ऐसे कन्वर्ट करना होता है। यदि नहीं करोगे तो फिर ये ग्राफ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, देखो ऐसा करने से क्या होगा कि सबसे पहले हमें ये पता है कि कैसे इसका इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले मैं वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का बनाऊंगा, फिर क्या बनाऊंगा वाई इक्वल टू टू टाइम एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। समझ आए, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा ग्राफ का। अभी मैं ये ग्राफ बनाना स्टार्ट करता हूं, देखो ध्यान से, आप भी देखो कि कैसे बनेगा। लेट से दिस इज एक्स और वाई, में एक रफ ग्राफ बनाता हूँ बस, वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर समवॉट लाइक दिस। लेट से ये वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर ये हो गया,
अब ये क्या होगा यहाँ पे सेकंड, देखो इसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया है, एक्स माइनस वन से, तो इसका मतलब है कि ये 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट होगा। लेट से ये 1 है, 1 है, इधर भी 1 हो गया, इधर 2, इधर 3 एंड सो ऑन, ऐसे तो ये पूरा ग्राफ 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट होगा मतलब ये कुछ इस तरह से चला गया। ये कहाँ पे कट हो रहा है ये तो नहीं पता, बट ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से जा रहा है, ऐसा जो भी है ऐसे कुछ कर दिया। तो इसका नाम हो गया y इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे +3 आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इस पूरे ग्राफ को कहाँ पे लेके जाएगा, +3 मतलब 3 यूनिट अपवर्ड शिफ्टिंग। तो ये 3 यूनिट है, तो ये जो वर्टेक्स यहाँ पे था अब वर्टेक्स यहाँ पहुंच जाएगा और यही ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन। और इसका नाम हो जाएगा y इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर +3, या फिर इसका नाम हो जाएगा y इक्वल टू ये वाला सिचुएशन 2x² - 4x+5। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या इतनी बात समझ आए? चलो एक और बता देते हैं, एक और ग्राफ बना देते हैं। इस बार में y इक्वल टू -3x - 2 का होल स्क्वायर +5 की बात करता हूँ। लेट से इसका ग्राफ बनाना है, तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो पहले तो मैं y इक्वल टू -3x² का ग्राफ बनाऊंगा, फिर क्या बनाऊंगा, y इज इक्वल टू -3x - 2 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा, और फिर क्या बनाऊंगा, y इज इक्वल टू -3x - 2 होल स्क्वायर +5। इस तरह से हमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये देखो कैसे बनेगा ये। है ना, लेट से यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4, 5 हो गया है ना। और यहाँ तो पहले तो y इक्वल टू -3x² वो समवॉट लाइक इस तरह का बनेगा, ऐसा ओपनिंग डाउनवर्ड होगी ना, x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगी, y इक्वल टू -3x² ऐसा बन गया लेट से। अब यहाँ पे देखो फिर क्या हो रहा है कि x को रिप्लेस कर दिया, x को रिप्लेस किया x-2 से, तो ये राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी 2 यूनिट की, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, राइटवर्ड शिफ्टिंग बाय 2 यूनिट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा इस तरह से, है ना। इसका नाम है y इक्वल टू -3x - 2 का होल स्क्वायर, y इक्वल टू -3x - 2 का होल स्क्वायर, ये सिचुएशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे +5 करना है, तो ये जो वर्टेक्स है 5 यूनिट ऊपर चला जाएगा, 4, 5 यूनिट है ना, यहाँ से इस तरह से 5 यूनिट ऊपर जाएगा ये, और 5 यूनिट ऊपर जाने का मतलब ये कुछ इस तरह से चला जाएगा। ऐसे, और इसका नाम है y इज इक्वल टू -3x - 2 का होल स्क्वायर +5। इस तरह से समझ आया क्या, क्लियर हुआ क्या, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, समझ आया। देखो किस तरह से बनता है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा ऊपर भी और यहाँ पे भी सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट, एक दो ग्राफ बना लो, है ना, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग, पहला फर्स्ट लिखो y इज इक्वल टू 3x - 1 का होल स्क्वायर +4,
सेकेंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, थर्ड लिखो y इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, फोर्थ लिखो y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। इतना प्लॉट करो। और देखो यहां पे ये क्वाड्रेटिक ना इस फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे फॉर्मेट में बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है करो। चलो पहला कैसे बनेगा ये मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट वन क्या मैं डायरेक्ट बना दूं? यहाँ पे देखो पहले ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, फिर वन यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और फिर ये कहाँ पे जाएगा? फोर यूनिट यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आएगा। देखो फाइनल फाइनल जो मैं बना रहा हूं क्या ये ऐसा फॉर्मेट होगा? देखो ध्यान से यही आया शार्प गौरव इसका। हाँ सर। देखो वर्टेक्स कहाँ चला गया? वर्टेक्स कहाँ पे चला गया? देखो 1.4 पे। और ये y इक्वल टू थ्री टाइम्स x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर। क्या इतनी बात समझ आई? एक रफ ग्राफ हमें चाहिए। ये वर्टेक्स कैसे पता चल रहा है? देखो ये कहाँ पे जीरो, इसका वैल्यू जीरो कब हो रहा है? जब x की वैल्यू वन पुट कर दें तो x की वैल्यू वन वन पे जा रहा है। और y में ये जब जीरो होगा तो ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा? फोर। ये तो 1.4 इससे, तो इस तरह से जाएगा ये। और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस थ्री वाला है, तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा। इस तरह से सिचुएशन। अच्छा सेकंड हुआ क्या? सेकंड में तो पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू वन बाई टू इंटू एक्स। तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस सिक्स। ऐसा देख लो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सिक्स, ऐसा आ गया। और बाय द वे ये हो जाएगा यहां से यहां तक ये x माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस वन बाई फोर माइनस सिक्स हो गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये y इज इक्वल टू x माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर, ऐसा हो गया। आया ना इस तरह से? तो अब यदि इसका ग्राफ आप बनाओगे तो कैसा बनेगा? यहाँ पे भी हमने एक रफ एस्टिमेट कर लेते हैं किस तरह से, तो किस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ये लेट्स से दिस इज जीरो एंड दिस इज हाफ वन बाई टू, तो इसका कोएफिशिएंट वन है पॉजिटिव, तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनने वाला है। वर्टेक्स यहाँ इस लाइन पे होगा, ये जहां पे ये जीरो होगा इस पे कहीं होगा वर्टेक्स, ठीक है। लेकिन ये कह रहे यदि आप जनरल ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो कैसे करोगे? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर y इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर राइट वर्ड शिफ्ट करोगे, फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर करोगे। तो अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ कैसे होगा। देखो ध्यान से कि ये जीरो हो रहा है इस पे x इक्वल टू हाफ पे, और ये माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर तो नीचे जाएगा यहाँ कहीं। लेट से ये वाला पॉइंट है माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर, ऐसा पॉइंट है, और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, तो वर्टेक्स मिल गया। ये वर्टेक्स हो गया वन बाई टू कॉमा माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर। क्या ये वर्टेक्स मिल गया? और वर्टेक्स मिला, और हमें पता है कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट वन है, वन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो
पैराबोला ओपनिंग अ बर्ड बनेगा। तो यदि आप ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस, ऐसा फॉर्मेट। और इसका नाम हो गया y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x माइनस x, ऐसे x माइनस x। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा इसको भी देख लो, थर्ड वन है y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। थर्ड y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। तो ध्यान से देखो ये हो क्या रहा है, ये है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आई थिंक। देख लो ध्यान से, अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, ये 2 इस बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये 4 times x plus 1/2 का होल स्क्वायर। ये तो बहुत आसान हो गया इसको बनाना। कैसे बनेगा ये देखो, लेट से दिस इज एक्स वाई, और पहले वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। लेट से ये वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर हो गया, समवट लाइक दिस, वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर हो गया। और अब ये देखो 4 times x plus half, और यहाँ पे कहीं पे -1/2 है, तो ये कुछ ऐसा हो गया y इज इक्वल टू 4 times x plus half का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया ये इस तरह से ग्राफ। वी हैव वन मोर, कौन सा वन मोर ग्राफ बाय द वे, इसको प्लॉट करो, जल्दी से प्लॉट करो फटाफट, फोर्थ वन प्लॉट करो इसको। पहले तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाओगे, देख कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो -3 है ना इसको कॉमन ले लेता हूँ, और ये x स्क्वायर, एंड यदि -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -x/3, और ये जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, और इधर -1 कर देता हूँ, चलेगा? तो आप कहोगे यहाँ इतना गैप क्यों छोड़े, चलो गैप नहीं छोड़ते हैं, चलेगा ये चीज है। अब यहाँ पे ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -3, और ये कितना x स्क्वायर माइनस, देखो परफेक्ट स्क्वायर में ज्यादातर a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज a² + 2ab + b² या फिर a - b का होल स्क्वायर, दैट इज a² - 2ab + b², ये वाला, ये दो में से कोई एक लगेगा। अब देखो ये x स्क्वायर ये a का काम कर रहा है, a² का काम कर रहा है, तो माइनस ये जो है 2ab या -2ab का काम करेगा, जैसे माइनस है तो -2ab का काम करेगा, जिसमें यदि a x हो गया तो यहाँ पे कितना लगना है 2 into a, तो x है, तो ऐसा कुछ करना है कि ये x/3 ही रहे, ये चेंज ना हो, जैसे 2 है तो यदि मैं इसको 1/6 कर देता हूँ जैसे, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 होगा ना इंटू एक्स, तो देखो ये क्या होगा a² - 2ab, तो b की जगह किसने ले ली 1/6 ने, तो अभी b² चाहिए कि नहीं चाहिए इसमें, दोनों ही में, तो मैं क्या करूंगा 1/6 का होल स्क्वायर ऐड कर दूंगा और इतना ही सबट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, इतना ही ऐड किया इतना ही सबट्रैक्ट कर दिया, और ये जो -1 है इसको बाहर छोड़ देते हैं, ऐसे रहने देते हैं। तो अब देखो यहां से यहां तक ये देखो ये क्या बन गया, -3 times ये बना x - 1/6 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा देखो -1/36, और ये -1। अब ये जो कांस्टेंट वाला पोर्शन है इसको डील कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, तो ये मल्टीप्लाई कर दे -3x - 1/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 1/12 एंड -1 ऐसा, और यहाँ पे ये देखो -3x - 1/6 का होल स्क्वायर, और ये कितना माइनस
11/12। क्या यहां से क्या हमें ये वर्टेक्स पता चल सकता है? वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स को हम V बना देते हैं, लेट्स से V से डिनोट करते हैं, तो इसका वर्टेक्स पता चल जाएगा। देखो तो पहली बात तो ये देखो, x ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, 1/6 पे, तो ये x हो गया 1/6। अच्छा y कहाँ पे जाएगा, वो इस पे डिपेंड करता है, -11/12 पे, ये वर्टेक्स हो गया। क्या इतना आया, समझा? अब यदि आपको वर्टेक्स मिल गया और आपको ये पता है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पैराबोला कैसा होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड, आपको पता चल गया वर्टेक्स ये है और आपको ये भी पता है कि पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग, विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एंड दिस इज एक्स, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। अच्छा ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 1/6, लेट्स से 1/6 समवेयर हियर, 1/6 ये है, और -11/12, -11/12 इधर हो गया, तो वर्टेक्स ये मिल गया इधर, ये वर्टेक्स हो गया। अब हमें ये देखना है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो फिर वर्टेक्स हमें मिल गया, तो कुछ एक रफ ग्राफ ही हमें बनाना है कि नेचर देखना है कि किस तरह का है, तो ओपनिंग डाउनवर्ड है तो वो कुछ इस तरह से जाएगा ऐसा, और इसका नाम हो जाएगा y इज इक्वल टू, क्या नाम हो जाएगा, -3x² + x - 1। समझा, क्लियर हुआ? तो सर तुम क्या समझे, गौरव क्या समझ में आया, रेवति क्या समझ में आया, कि यदि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवेन हो और उसका ग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना चाहिए सबसे पहले? सर होल स्क्वायर करना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से है ना, इससे हमें पता चल जाएगा वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। यदि हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता चल गया और ये पता चल गया कि इसकी ओपनिंग कैसी है, तो क्या ग्राफ बन जाएगा, सोच के बताओ। यदि हमें वर्टेक्स पता चल गया 1/6 - 11/12 जैसे ही है, वर्टेक्स पता चल गया और ओपनिंग पता है कि ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड है, तो क्या आप रफ ग्राफ बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, है ना। कई बार हमें वे पॉइंट पता करने होते हैं, वो क्रिटिकल पॉइंट जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस को, जहां पे एक्स एक्सिस को, तो वो आप निकाल सकते हो। जैसे इस समय हमें ये पॉइंट की जरूरत है, तो इस पॉइंट पे देखो एक्स कैसा होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या कर देंगे, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे इसमें, और जैसे ही एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो वाई का वैल्यू कितना आ गया, -1, जिससे हमें ये पॉइंट पता चल गया कि ये कितना है, -1 पे कट करेगा ये पैराबोला वाई एक्सिस को -1 पे कट करेगा, तो वो पॉइंट जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वो हमें प्लॉट करने ही पड़ते हैं, करना ही चाहिए, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ग्राफ के बारे में, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ पे एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट करना मतलब वो रूट हो जाएंगे फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या इतनी बात समझ आए? अब यदि जनरल इक्वेशन की बात करोगे, एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें a, b, c belongs to real है और a not equal to zero, तो ये क्या होगा कि ये तो पैराबोला आइधर ओपनिंग अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले a कॉमन ले लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स और प्लस सी, ये जो c है इसको एज इट इज रख देते हैं, तो दैट इज a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये आ गया, एंड प्लस c, ए स्क्वायर प्लस
टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस प्लस सी। अब यहाँ पे ये इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, दैट इज ए टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, इसको हटा देते हैं, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस ए टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देते हैं इसमें, और प्लस सी आ गया सी, तो दैट इज ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, तो ए से ये एक कट हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस कॉमन लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, चेक दिस आउट, क्या ये सही है? ऐसा करते ही देखो ध्यान से, ये सही है, तो यही क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा ये देखो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या ये d होता है, तो ये माइनस डी बाई फोर ए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वर्टेक्स वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो वर्टेक्स v का कोऑर्डिनेट बताओ, देखो एक ये जीरो कहां पे होगा, ये वाला पॉइंट माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो ये वाला, ये सिचुएशन, ये माइनस डी बाई फोर ए,